आज हम कर्नाटक की सैर आपका जो तीसरा पार्ट है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए ये पर्यटन से संबंधित पार्ट है, यानी जो शिवानी है अपने नाना के यहाँ जाती है, कर्नाटक की सैर करती है, उसके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। तो हम इसको पढ़ते हैं। कुछ रोज पहले मेरे नाना जी की चिट्ठी आई थी जिस पर मेरा नाम लिखा था शिवानी शर्मा। अब देखिए जो ये लिख रहे जो सैर करने के लिए गई हैं, जिन्होंने लिखा है उनका नाम है शिवानी। तो जो शिवानी है उनके नाना की चिट्ठी उनके नाम आई थी। मैं चिट्ठी देखकर खुशी से उछल पड़ी, और जब शिवानी ने चिट्ठी देखी तो वो खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, नाना जी ने मेरे नाम चिट्ठी भेजी है कि नाना जी ने मेरे नाम चिट्ठी भेजी। हम खुश होते जब हमारे घर वाले हमें कुछ हमारे लिए पत्र वगैरह भेजते तो हमें बहुत खुशी होती है, और जो दूर रहते हैं उनके जब पत्र आते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। मेरे नाना जी कर्नाटक में स्थित मैसूर शहर में रहते हैं। शिवानी के जो नाना जी हैं वो कर्नाटक में मैसूर शहर है वहां पे रहते हैं। वे जानते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी हमारे विद्यालय में दशहरे की छुट्टियां जरूर होंगी, और वे जानते हैं कि इस बार भी दशहरे की छुट्टियां हैं वो जरूर होंगी, क्योंकि दीपावली दशहरे के जो छुट्टियां मिलती हैं वो सभी विद्यालयों में मिलती हैं। तो नाना को नानी जी को पता है कि वो यह सोचकर उन्होंने छुट्टियों में कर्नाटक आने का आदेश दिया। उन्होंने जो शिवानी है उसको छुट्टियों में कर्नाटक आने का आदेश दिया। बड़े जो हमें कहते हैं आज्ञा या आदेश होता है। फिर क्या था, नाना जी के आदेश का पालन हुआ। छुट्टियां शुरू होते ही मैं मेरा भाई केशव और मम्मी पापा कर्नाटक पहुंच गए। ये चार सदस्य हैं, शिवानी उसका भाई केशव और उसके मम्मी और पापा, ये चारों कर्नाटक चले गए। यह तो हम जानते ही थे कि मैसूर का दशहरा दुनिया भर में मशहूर है, और मैसूर का जो दशहरा होता है दशहरा कब मनाते हैं, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। किस दिन किया था, इसी दिन, इसी कारण दसवीं के दसवीं थी उस दिन, और इसीलिए हम उस दिन को दशहरे के रूप में मनाते हैं। और जो रावण का पुतला है वो जगह जगह क्या होता है, जलाया जाता है। तो जो दशहरा है वो दुनिया भर में मशहूर है। कहाँ का, मैसूर का। ये कहाँ गए थे, कर्नाटक, कर्नाटक में मैसूर में गए थे, और मैसूर का ही दशहरा तो बहुत प्रसिद्ध है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में मेलों की रौनक देखते ही बनती है। उत्सव यानी त्योहार और रौनक यानी चमक धमक। 10 दिन तक चलने वाले ये जो उत्सव है उसकी जो चमक धमक है वो देखते ही बनती है। बहुत चमक धमक होती है, बहुत अच्छा लगता है। पहले ही दिन हम नाना जी के साथ मेला घूमने निकल गए। पहले दिन निकल गए भाई दक्षिण भारत। दक्षिण भारत यानी भारत का जो दक्षिणी हिस्सा होता है, ये जो दक्षिणी हिस्सा है भारत का, देखिए जो ये आपका बोर्ड है ये कौन सा हिस्सा होता है, इधर वाला पूरब, इधर वाला पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ये भारत का जो दक्षिणी हिस्सा होता है इसको कहते हैं दक्षिणी भाग। ये कौन सा भाग है, दक्षिण भाग। तो ये जो दक्षिणी भाग है भारत का, इस सैर करने आए हैं तो पहनावा भी यही का होना चाहिए। अब हम जहां जाते हैं तो अगर अलग से पहनावा पहनते तो अच्छा नहीं लगता, तो वहां के जो विशेष वस्त्र होते हैं पहनावा, वहां के लोग जो विशेष वस्त्र पहनते हैं, राजस्थान में अलग वस्त्र पहने जाते हैं, अन्य जो राज्य हैं भारत के वहां अलग अलग वस्त्र पहने जाते हैं, अलग अलग तरीके के, हालांकि मिलते जुलते रहते हैं लेकिन फिर भी एक विशेष पहचान होती है उनकी। तो जो उनके वस्त्र उनका जो पहनावा था वही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने और मम्मी ने खास तरह की साड़ी पहनी जैसे दक्षिण भारतीय औरतें पहनती हैं। नाना जी पापा और केशव ने धोती बांधी जिसे पांचे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पांचे। दक्षिण भारत में जो धोती पहनी जाती है उसे पांचे कहा जाता है। इन लोगों ने सिर पर अलग तरह की पगड़ी भी पहनी जिसे मैसूर पेटा कहते हैं। मैसूर में सर पे पगड़ी क्या होती है, जो सर पे धारण की जाती है, तो जो पगड़ी पहनी उसे मैसूर पेटा कहते हैं। वहां की पोशाक पहनकर एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी, एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। और मेले में आए हैं तो दक्षिण के खाने का स्वाद लेना तो बनता ही है। जैसे हमारे यहाँ दाल बाटी चूरमा विशेष माना जाता है भोजन में, वैसे ही उनका जो एक घेवर भी मिठाई के रूप में, लेकिन वहां उनकी अपनी अलग ही, मतलब जो भोजन है उनका वो अलग ही है, तो उसका स्वाद लेना भी जरूरी है। हमने जिसे बेले भात, झोलन रोटी, रागी वड़ा,
पकवान है। मैसूर की मशहूर मिठाई मैसूर पाक का स्वाद मैं अब तक नहीं भूल पाई हूँ। मैसूर की मशहूर मिठाई है मैसूर पाक, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है और जो सिवानी है उसका स्वाद वो अभी तक नहीं भूल पाई है। घर आकर नाना जी ने हमें बताया कि मैसूर में दशहरे के 10वें दिन हाथियों को सजाकर देवी की मूर्ति को विराजमान कर पारंपरिक विधि के अनुसार मैसूर महल से बन्नी मंडप तक की लंबी यात्रा निकाली जाती है। अब देखिए नाना जी ने क्या बताया, पहले दिन उन्हें मेले में ले गए और उन्होंने कैसे उसकी जो शिवानी और शिवानी की मम्मी ने दक्षिण भारतीय वेशभूषा के अनुरूप की साड़ी पहन रखी थी, वहां की पकवान उन्होंने चखी और इसके बाद जो नाना जी ने उन्होंने बताया कि मैसूर के दशहरे के 10वें दिन हाथियों को सजाकर, हाथियों को सजाया जाता है, देवी की मूर्ति को विराजमान कर पारंपरिक, देखिए पारंपरिक यानी परंपरा और एक परंपरा के अनुसार जैसा उनका रिवाज है, जैसे वहां की परंपरा मतलब पहले से चली आ रही है, विधि विधि के अनुसार मैसूर महल से बन्नी मंडप तक की लंबी यात्रा निकाली जाती है और पारंपरिक विधि रीति, पारंपरिक विधि जो पुराने तरीके से जो पहले से चली आ रही विधि है